लाल मैदान गणेशोत्सव समिति द्वारा आयोजित शहीद अमित नायक टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन रविवार को हुआ। फाइनल मुकाबले में विजेता रही टीम को 35,000 रुपए नगद के साथ विनिंग ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं उप विजेता टीम को 15,000 के साथ ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। शहीद अमित नायक टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन लाल मैदान छावनी थाना पुलिस ग्राउंड में 8 से 13 फरवरी तक किया गया। लाल मैदान गणेशोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित टूर्नामेंट में विभिन्न स्थानों से आई 16 क्रिकेट टीमें शामिल हुई। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बालाजी 11 वर्सेस लंकेश 11 खुर्सी पार के बीच खेला गया, जिसमें बालाजी 11 ने विजेता का खिताब हासिल किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने विजेता टीम को 35,000 रुपए एवं विनिंग ट्रॉफी एवं उप विजेता रही टीम को 15,000 रुपए एवं ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। इसके अतिरिक्त मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज रहे खिलाड़ी भी पुरस्कृत हुए। फाइनल मुकाबले को देखने बड़ी संख्या में दर्शक ग्राउंड पर नजर आए। लाल मैदान गणेशोत्सव समिति के सागर शुक्ला ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। हम लोगों ने यह एक टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट कराया है। लाल मैदान गणेशोत्सव समिति यह पहली बार टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट करा रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग प्रतिवर्ष यह टूर्नामेंट कराएं। एक हमारा मित्र था जो हमारे साथ बचपन से क्रिकेट खेला करता था, हमारे साथ पढ़ाई करता था। उसका नाम था अमित नायक, जो कि नक्सलाइट हमले में शहीद हो गया, और हमने उसकी स्मृति में यह टूर्नामेंट कराया। और हम चाहते हैं कि हम हर वर्ष यह टूर्नामेंट कराएं, जिससे कि सभी लोगों को एक खेल का खेलने के लिए जगह मिलेगी और अमित नायक का भी नाम हमेशा रहेगा। यहाँ कितनी टीमें शामिल हुई थी आयोजन? इस टूर्नामेंट में 16 टीमें शामिल हुई थी, जो कि दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर, भिलाई, सभी जगह की टीमें थी। जो भी यहाँ अभी खेल रही हैं टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, वो सभी टीमें थी। बहरहाल समिति द्वारा सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने के साथ ही सभी मैच के एम्पायरों को भी पुरस्कृत किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।